हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ सर्दियों में खाने वाली हरी सब्जियों का नाश्ता। नाश्ता बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 1 कप कद्दूकस किया हुआ बंद गोभी, 1 कप कद्दूकस किया हुआ गाजर, 1 कप कद्दूकस किया हुआ फूल गोभी, 1 छोटे साइज के कद्दूकस किया हुआ खीरा, 1 कप बारीक कटी हुई मेथी और 1 कप बारीक कटी हुई पालक। अब इन सबको एक बड़े बर्तन में ट्रांसफर कर लेंगे। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च और स्वाद अनुसार नमक। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैंने इन सबको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसे 10 मिनट रेस्ट के लिए रख देंगे ताकि सब्जियां अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। A few moments later. 10 मिनट बाद सब्जियां अच्छे से सॉफ्ट हो गई है और सब्जियों में से पानी भी निकल रहा है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 कप गेहूं का आटा, 1/2 कप सूजी, इससे नाश्ता क्रिस्पी बनेगी, 2 बड़े चम्मच सफ़ेद तिल। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 छोटी चम्मच गरम मसाला, 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, थोड़ी सी साबुत जीरा, 1 चम्मच तेल, 2 बड़े चम्मच दही और 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा डाल देंगे। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी इसमें पानी नहीं डालेंगे क्योंकि सब्जियों में ही काफी पानी है। मैंने इन सबको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब चलते हैं इसका नाश्ता बनाने। नाश्ता बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक पैन ले लिया है। पैन गर्म हो गया है। अब हम इस पर थोड़ा सा तेल लगा देंगे। अब मिक्सर को हाथों की मदद से इस तरह से टिक्की का शेप दे देंगे और इसको पैन में डालेंगे। और इसे ढककर 1 से 1.5 मिनट पकने देंगे। 1.5 मिनट हो गया है। अब इसे चेक कर लेते हैं। पहले इसके ऊपर थोड़ा सा तेल लगा देंगे। अब इन सबको पलट लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, एक साइड से कितने अच्छे से सीख गया है। अब दूसरे साइड से भी 1 से 1.5 मिनट ढक कर सेक लेंगे। A few moments later. 1.5 मिनट हो गया है। अब दूसरे साइड से भी चेक कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, दूसरे साइड से भी अच्छे से सीख गया है। अब इन सबको एक प्लेट में निकाल लेंगे और बाकी मिश्रण को भी इसी तरह से सेक लेंगे। A few moments later. A few moments later.